हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। टीम फ्रॉम तेलंगाना विजिट्स बुद्धिस्ट केव कहाँ पे? श्रीलंका में। अब बताइए, श्रीलंका में बुद्धिज्म फैलाया किसने था? ये अशोका ने, जो अपने द ग्रेट अशोका है, इन्होंने अपने एक बेटा एक बेटी तो सन एंड डॉटर को भेजा था। सन का नाम शायद इनके महेंद्र था और बेटी का नाम इनके मेरे को याद नहीं आ रहा है। इन्होंने अपने बेटा बेटी को भेजा था श्रीलंका में किस लिए? टू स्प्रेड बुद्धिज्म। अब वहाँ पे हमारे तेलंगाना की से टीम गई है बुद्धिस्ट केव को स्टडी करने शायद श्रीलंका में। चलिए देखते हैं क्या है। हाँ ठीक है। अब बुद्धवनम टीम फ्रॉम तेलंगाना विजिटेड द 3rd सेंचुरी BC बुद्धिस्ट रॉक कट केव एट मथाले ऑन द कोलंबो कैंडी रूट इन श्रीलंका ऑन संडे। ठीक है, यहाँ पे ये आपका 3rd सेंचुरी का बुद्धिस्ट केव बना हुआ है। ठीक है, कहाँ पर है? मथाले में है। मलेपली लखम या पता नहीं भैया, ये देखो मेरे को ये, अब इसके लिए माफ कर दो। ठीक है, बुद्धिस्ट एक्सपर्ट कंसल्टेंट विजिटेड द साइट वेयर द टीचिंग ऑफ द लॉर्ड बुद्धा वर स्क्रिबल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन पाम लीव। तो यहाँ पे पहली बार जहाँ पे पाम लीव पे बुद्धा की टीचिंग्स को स्क्रिबल किया गया था, यहाँ पे वहाँ पर वो लोग गए हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट कहाँ है? ये मंथाले में 3rd सेंचुरी बुद्धिस्ट केव है। ठीक है, बुद्धावनम प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट क्यों है? बुद्धावनम इज अ मैसिव बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क डेवलप्ड बाय द तेलंगाना गवर्नमेंट एट नागार्जुन सागर। अब आप देखिए, ये प्रोजेक्ट है, थीम पार्क है, हेरिटेज बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क है, और ये आपके नागार्जुन सागर में डेवलप हो रहा है। कौन कर रहा है? तेलंगाना गवर्नमेंट कर रही है, तभी तेलंगाना से वहाँ पर गए हैं लोग। अब थीम पार्क बन रहा है तो हो सकता है कुछ स्टडी करने गए हो वहाँ पर। मिस्टर लखमिया सेड दैट द बुद्धास टीचिंग कॉल थ्री पिटिका। यहाँ पे आप देखिए, तीन पिटिका कहते हैं यहाँ पे, और स्तुर विनय अभिधम्म। तो सुर पिटिका, विनय पिटिका और अभिधम्म पिटिका, ये तीन पिटिका है, इसको थ्री पिटिका कहते हैं। अगर आप बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ेंगे तो उसमें ये बेसिक है। एक में आपके रूल्स दिए हैं, एक में आपके टीचिंग्स दिए हैं, और एक में आपका कंपाइलेशन है, यही है। तो ये तीन पिटिका है, तीन पिटिका माने किताब, ये तीन किताब है। ठीक है, विच वर ट्रांसमिटेड ओरली अंटिल द टाइम वर रिटन ऑन पाम लीव्स अंडर द ऑस्पिशियस ऑस्पाइस ऑफ श्रीलंकन किंग देवम प्रिय तिस्सा। अब देखिए, देवम प्रिय तिस्सा, आपको ये बताइए, ये देवम प्रिय दस्सी कौन बोलता है अपने आप को? अशोका ही बोलते हैं। तो देवम प्रिय दस्सी अपने आप को अशोका बोलते हैं, द बिलव्ड ऑफ द गॉड। तो ये अशोका बोलते हैं, जो भगवान जिसको प्यार करते हैं, ये अपना लेजिटिमेसी के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पे उस समय के श्रीलंकन किंग, आप देखिए, इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस थे कि उन्होंने नाम क्या रखा है अपना खुद का? देवम प्रिय तिस्सा। ठीक है, अ कंटेम्प्रेरी किंग ऑफ अशोका। हाँ देखिए, अशोका के कंटेम्प्रेरी है, क्योंकि नाम से, ये नाम जिसने भी पढ़ा होगा हिस्ट्री, उसको पता है ये नाम अशोका से रिलेटेड है। ठीक है, ही सेड इट वॉज ओनली आफ्टर दैट दैट बुद्धिस्ट लिटरेचर केम इन टू बींग इन इंडिया। तो इन्होंने बोला कि, मतलब ये हुआ है कि सबसे पहले वहां लिखा है, उसके बाद इंडिया में आया। ठीक है, मिस्टर लखमिया ऑल्सो सेड द आचार्य बुद्धा घोषा द फेमस थेरावादा बुद्धिस्ट फिलोसफर लिव्ड इन दिस केव्स फॉर सम टाइम एंड रोट। अब ये देखिए, यहाँ पे आ जा रहा है विशुद्धि मग्गा। ठीक है, एक ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाता है, विशुद्धि मग्गा, विशुद्धि मग्गा। ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड दी मथाले बुद्धिस्ट विहार फॉर रनिंग ए स्कूल इन द नेम ऑफ आचार्य बुद्धा घोषा इवन टुडे एज द टोकन ऑफ रिस्पेक्ट टू हिज स्कॉलरशिप। ठीक है, मिस्टर शिवांगी रेड्डी बुद्धिस्ट एक्सपर्ट कंसल्टेंट ऑफ द बुद्धावनम प्रोजेक्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट सेड द रॉक कट केव द मोनेस्ट्री एंड एंटिक्विटीज रिकवर्ड फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया शोज द बुद्धिस्ट कनेक्शन बिटवीन तेलुगु स्टेट्स एंड श्रीलंका। तो यहाँ पे वो रिलेशन, कुछ ऐसे उनको फैक्ट्स मिले हैं, कुछ चीज़ें मिली है जो रिलेशन बताती है तेलुगु स्टेट्स और श्रीलंका के बीच में रिगार्डिंग बुद्धिस्ट कनेक्शन। ठीक है, लेटर मिस्टर लखमैया कॉल्ड ऑन वेनरेबल। अब देखो भैया, कहाँ कहाँ क्या क्या अपने लिखे, इम्पोर्टेंट है। ठीक
ठीक है, एन एक्सटेंडेड एन इनविटेशन टू हिम विजिट बुद्धवनम्मा, अ यूनिक एंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट हेरिटेज होम साइट पार्क इन साउथ ईस्ट एशिया। तो ये तो हम ही बना रहे हैं, ठीक है। द मॉन्क रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली एंड सेड दैट, सॉरी, द मॉन्क रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली एंड सेड दैट ही वुड विजिट इन अ मंथ ऑफ अक्टूबर दिस ईयर एंड प्रेजेंट बुद्धिस्ट सोनियर फॉर बोथ। इतना ठीक है प्रोफेसर, इतना ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए इस आर्टिकल में हमारे सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें कोई भी आर्टिकल देखना चाहिए तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना चाहिए। सबसे पहले बुद्धा, ठीक है, बुद्धा हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जा रहा है इस साल क्योंकि न्यूज में रह चुका है। दूसरा आपका देखिए बुद्धिस्ट हेरिटेज थीम पार्क डेवलप बाय तेलंगाना गवर्नमेंट, ये दूसरी चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब आप तीसरी देखिए, ये 3rd सेंचुरी BC बुद्धिस्ट रॉक कट केव है मथाले, ये कहाँ पर है आपका, श्रीलंका में है। कहाँ पर है, कोलंबो कैंडी में है, ठीक है। अब ये हो गया, ये त्रिपिटक आप देखिए अपने लिए इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है नागार्जुन सागर में, ठीक है। अब ये जो किंग थे उस समय के, उनका नाम आप देखिए, देवम पिय टिस्सा, ठीक है। तो अशोका का नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया पहले ही कि अशोका ने, अशोका का एक सन और एक डॉटर, ठीक है, ये लोग गए थे। सन का नाम महेंद्र था, ठीक है, और उनकी डॉटर का भी नाम था, बताइएगा क्या था, मैं अभी भूल रहा हूँ। वो लोग जाके श्रीलंका में उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था, ठीक है। तो ये कंटेम्प्रेरी किंग थे किसके, अशोका के, अशोका इनके कंटेम्प्रेरी थे, ठीक है। और वहाँ के एक आचार्य देखिए बुद्ध घोषा, जो फेमस थेरावादा बुद्धिस्ट फिलोसफर है, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे लिए तो थेरावादिन, थेरावादिन जो सेक्ट है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके जो आचार्य देखिए 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 कर लेता हूँ, ये जो आचार्य हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, बुद्ध घोषा थेरावादिन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन्होंने बुक लिखी है ये, तो ये बुक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप देखिए विशुद्धि मग्गा, विशुद्धि मग्गा ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है, फट से पूछ देगा ये विशुद्धि मग्गा जो आपका बुक है ये किस सेक्ट से रिलेटेड है बुद्धिज्म के, या आपको ऑप्शन दे देगा जैन है, हिंदुइज्म है, बुद्धिज्म है, जोरोस्ट्रियन है, किस से, इस्लाम है, ये बुक किस से रिलेटेड है आपका। तो एक तो ये चीज, और अगर डीप में जाना होगा तो पूछ देंगे बुद्धिज्म में कौन से सेक्ट से है, थेरावादी ने, स्थारवादी ने, तो आपको पता होना चाहिए थेरावादीन सेक्ट से है, ठीक है। और ये वहाँ पे अभी भी इनके नाम पे ये चल रहा है स्कॉलरशिप वगैरह, रॉक कट केव है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का नाम जो ये बन रहा है, इस प्रोजेक्ट का तेलंगाना गवर्नमेंट जो बना रही है, इसका यहाँ पे नाम है बुद्धवनम प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए देखिए बुद्धा, अशोका, अशोका के बच्चे, थेरावादिन सेक्ट, ये आपका बुद्ध घोषा और विशुद्धि मग्गा, और ये आपका बुद्धवनम प्रोजेक्ट थ्री पे, ये जो आपके तीन पिटाक है, और देवम पिया तिस्सा वहाँ के किंग जो थे। तो हमारे लिए इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। सो थैंक यू एंड प्लीज़ वर्क हार्ड, ये चीज़ एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, प्लीज़ इसको लिटरेचर UPSC से लेके स्टेट PCS सारे पूछते हैं। तो प्लीज़ लिटरेचर के लिए ये किताब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, थेरावादिन, और यहाँ पे सेंट्स की बात आती है तो बुद्ध घोषा हमारे लिए थेरावादिन सेक्ट के, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो थैंक यू एंड प्लीज वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।